क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर नंबर 3rd, जिसका नाम है आत्मकथा। आत्मकथा का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति अपने बारे में किसी तरीके की कोई कहानी लिखता है। तो इसका इसके सारा लाइन इसको पढ़ते हैं हम, इस पोएम को पढ़ते हैं, उसके बाद इसके मीनिंग हम बताएंगे। मतलब गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी है अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मिलान अमलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। तो कवि इसमें क्या कहना चाहते हैं, जो गद्यांश जो दिया हुआ है, जो स्टोरी है, जो पोएम की तरह दी हुई है, लाइन से दी हुई है, तो इसका मतलब है कि कवि जो है वो क्या कहना चाहते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि जो मन रूपी भवरा गुनगुना कर ना जाने अपने जीवन को कौन सी कहानी जो है वो कह जाता है, अर्थात यह मेरी आत्मकथा, मेरे जीवन की सुख दुख की उन सभी स्थितियों को उजागर करती हैं जो आज भूतकाल बन चुकी हैं। तो ये कहते हैं कि जो मेरी आत्मकथा, उन सारे सुख दुख को आत्मकथा में हम अपनी जो बीती जो बातें होती हैं उनको लिखते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जो आत्मकथा है मेरी सुख दुख की, जितनी भी सभी उपस्थितियों को उजागर करती हैं, जो एक भूतकाल, भूतकाल बन चुकी है का मतलब जो समय मेरा बीत चुका है। जब हम कोई समय बीत अपने बारे में हम कोई कहानी लिखते हैं, भविष्य की तो नहीं लिख सकते, हम भविष्य की तो नहीं लिखते, वही जो चीज़ें लिख सकते हैं जो चीज़ें निकल चुकी हैं, क्योंकि भविष्य का तो हमें पता है, हमें पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है। इस वजह से तो आत्मकथा में वो चीज़ें लिखी जाती है बेटा जो बीत चुकी होती हैं, ठीक है। तो आज अनेकों पत्तियां मुरझाकर गिरती हुई देखी जा सकती है। वर्तमान में परिस्थितियां इतनी प्रतिकूल है कि अभिलाषा रूपी पत्तियां नष्ट होती प्रतीत हो रही हैं, और इस गहरे अते ही विशाल साहित्य रूपी आकाश में असंख्य लोगों के जीवन का इतिहास अंकित है, और वे सब अपनी आत्मकथा लिखकर खराब एवं निंदनीय ढंग से अपना मजाक उड़ाते रहते हैं। इस तरह का मजाक होने पर भी मेरे मित्र आप यह कहते हैं कि मैं अपने जीवन की कमजोरियां एवं गलतियां सबको बता दूं। मतलब हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ गलती और जो कुछ ना कुछ बातें होती हैं। तो ये इस लाइन से ये कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति है वो क्या होता है, मुरझाकर, जैसे हमारा कोई पिछला टाइम था तो उसमें हमारे अंदर और भी ज़्यादा उमंग, चुस्ती और मतलब ये सब चीज़ें भरी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे हमारा टाइम पास होता रहता है उस टाइम से इंसान की जो उम्र है वो ढलती रहती है। जैसे बताया गया पत्तियां मुरझाकर गिरती हुई देखी जा सकती है, अगर हम भूतकाल से अगर वर्तमान के बारे में हम बात करें तो। और इसमें कहा जाता है जैसे लोगों का जीवन है, काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी मतलब दिन में पता नहीं कितने ज़्यादा लोग हैं जो एक्सपायर हो जाते हैं, तो कितने लोग जो हैं वो आज एक इतिहास बन चुके हैं। इतिहास मतलब भाई उनका वो थे और आज वो इस दुनिया में है नहीं, है ना, इस तरीके से बातें। और मेरे जीवन के घड़े को खाली देखकर वह सुनकर तुम्हें सुख एवं प्रसन्नता की अनुभूति होगी। मेरे जीवन के यथार्थ एवं कमियों को जानकर तुमको आनंद व सुख मिलेगा, परंतु ऐसा ना हो कि मेरी विडंबनाओं को सुनकर तुम अपने आप को, जीवन की कमियों को दोषी समझने लगो तथा मेरी अभावों व कमजोरियों में आनंद लेकर अपनी कमजोरियों को दूर कर लो और अपने जीवन में सुखी हो जाओ। तो ये कहना चाहते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ते हैं, ये कहते हैं जब हम किसी व्यक्ति के बारे में जैसे जानते हैं तो हम उसको देखते हैं कि भाई ये इसके जीवन में कमी थी, अरे इसे तो मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है, तो हम अपनी कमी को भूल जाते हैं। कहते हैं कि मेरे जीवन में मैं जब मेरी आत्मकथा पढ़ी जाएगी तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी होगी जो मेरा मजाक बना रही होगी, कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो मेरी कमियां बता रही होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो काफ़ी तुम लोगों के अंदर जो चीज़ें उससे बढ़कर होंगी, है ना। जैसे कोई भी चीज़ मैंने कोई काम अच्छा किया हो तो मेरी कमियों को जानकर तुम अपनी कमियों को मत भूल जाना कि तुम में कोई इस तरीके की कोई कमी है नहीं, या फिर अपनी कमजोर और मेरी जो चीज़ों को दुखियों को समझ कर कमियों को दोषी समझने लगो तथा मेरे अभावों व कमजोरियों में आनंद लेकर। ये कह रहे हैं कि मेरी कमजोरियों में तुम आनंद लेकर कि अच्छा ये व्यक्ति तो इस चीज़ में कमज़ोर था, कि अपनी कमजोरियों को दूर कर लो और अपने जीवन में सुखी हो जाओ, ये नहीं कि अपनी कमजोरी को तुम भूल जाओ, ये सब चीज़ें इसमें बता रहे हैं। तो इस वाले पहले गद्यांश में, इस काव्यांश में पहली ये चीज़ बताई गई है जिसमें आत्मकथा के बारे में बताया गया है कि कैसे व्यक्ति की जैसे आत्मकथा पढ़ी जाती है तो हम किस चीज़ की अनुभूति जो है करते हैं। तो दूसरे काव्यांश के बारे में बात करते हैं। यह विनम्रता अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाले उन बातों की। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं, इसमें कहते हैं जय जय प्रकाश जय शंकर प्रसाद जी कहते हैं कि
अरे मेरे सरल जीवन, आत्मकथा की यह विडंबना है कि उसमें जीवन के सभी पक्षों को सीधे व सरल रूप में चित्रांकित किया जाता है तथा लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और वह हंसते हैं। मतलब ये कहते हैं कि जो आत्मकथा है, जब आप देखो आगे एक हम नॉर्मल लाइफ जी रहे, एक लाइफ जी रहे, उसके बाद हम उसको एक आत्मकथा या फिर किसी लिखने के तौर पे उसको पेशकश करें, तो जैसी हमने वो किताब में कोई चीज़ लिखी या फिर जो चीज़ हम जी रहे हैं, क्या उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है? कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अगर हम किसी की किताब पढ़ते हैं तो उसमें जैसे मानो हमने कोई एक फिल्म देखी, तो उसमें सिर्फ उस फिल्म के दौरान ही तो हमें उसकी स्टोरी पता चली, लेकिन उसके पहले क्या स्टोरी रही, उसके बाद ही क्या स्टोरी रही उसकी लाइफ की, हमें कुछ पता ही नहीं। तो हम जब तक आत्मकथा पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ नॉर्मल लाइफ उस व्यक्ति की लगती है, लेकिन उसके जीवन में कितनी सारी और भी तो बातें रही होंगी ना, कितनी और भी बातें रही होंगी। तो ये कहते हैं कि आत्मकथा पढ़कर काफ़ी सारे लोग जो है मेरा मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं, मतलब हंसेंगे, चित्रांकित किया। और आत्मकथा में हम अपने जीवन को एक सरल रूप में चित्रांकित करते हैं। जैसे मानो मैं किसी की स्टोरी पढ़ूँ, किसी व्यक्ति की स्टोरी पढ़ूँ, तो मैं उस व्यक्ति की स्टोरी पढ़ के उसके अपने दिमाग में उस तरीके का चित्रण करूँगी कि इस तरीके की व्यक्ति की लाइफ थी, ऐसा था। तो क्या रियलिटी में उसकी लाइफ ऐसी रही थी क्या? आत्मकथा में हम थोड़ी तो चीज़ें बता सकते हैं, है ना? तो हम आत्मकथा के द्वारा उस व्यक्ति के जीवन को चित्रांकित करते हैं, मतलब यह है कि हम उसको प्रकट कर सकते हैं, पर लेकिन पूरी तरीके से नहीं, जितना सरल आत्मकथा में बताया जाता है। मैं इस प्रकार का काम करने के लिए सहमत नहीं हूँ। इसके माध्यम से मैं अपने जीवन में प्राप्त होने वाले धोखों को भूल जाऊँ या फिर दूसरों के द्वारा किए गए धोखों के कार्य का वर्णन करूँ। मैं अपने जीवन के सुखद व स्वच्छ कहानी किस प्रकार वर्णित करूँ। जीवन में खुलकर व खिलखिलाकर हंसने की बातों का उल्लेख कैसे करूँ। ये कहते हैं कि जैसे आत्मकथा में मैं क्या लिखूं, जो व्यक्ति ने जो मेरे साथ गलत किया मैं उनका उल्लेख करूं या फिर उनको भूल जाऊं, उन सब चीज़ों को लिखूं, या फिर जो चीज़ें मैंने पाई हैं या फिर जीवन में प्राप्त होने वाले जैसे धोखे जो बताए हैं कि उन धोखे किसी व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया, उन धोखों का वर्णन करूं या फिर उन धोखों को भूल जाऊं, या फिर अपने जीवन में जो सुख के जीवन जो मैंने व्यतीत किया, जो पल, उन चीज़ों का वर्णन करूं, या जीवन में खुलकर व खिलखिलाकर हंसने की बातों का उल्लेख कैसे करूं। ये कह रहे हैं कि उस आत्मकथा में ये सब चीज़ें मैं कैसे करूं। अब हम तीसरे काव्यांश के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा काव्यांश क्या कहता है हमारा? मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्काया कर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। इसमें जयशंकर प्रसाद जी क्या कहना चाहते हैं, इसमें जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि उन्होंने स्वप्न में जिस सुख को प्राप्त करने के लिए जागृत हुआ, वह सुख उसे जीवन में कभी नहीं मिल सका। यथार्थ जीवन में सदैव कष्ट, पीड़ा व दर्द ही मिला। मतलब ये अपने जीवन के बारे में बताना चाहते हैं कि जैसे ही मैं, मतलब मुझे ये था, जैसे हम सपने में कोई चीज़ देखते हैं, एकदम उठते हैं तो कुछ वो होता ही नहीं रियलिटी, है ना? तो कहते हैं कि वो एक जो सुख था वो एक सपने की तरह था, मैंने उस चीज़ की आशा की कि मेरे जीवन में उस तरीके का सुख आएगा, लेकिन मुझे वो सुख मिला नहीं। तो इसका तात्पर्य यह है ना कि उसके जीवन के जीवन में दुख रहा, उन्होंने काफ़ी अपने जीवन में दुख, कठिनाइयों का, इन सब चीज़ों का सामना किया। सुख सपने में ही आकर चले जाना, कवि को ऐसा लगता है जैसे कि सुख रूपी बालिका युवती मुस्कुराकर उस ओर आलिंगन करते हुए हेतु आ रही थी तथा बीच में से ही उसका स्पर्श किए बिना ही भाग जाती है। तो वो एक सुख को एक बालिका युवती की तरह बता रहे हैं। तो वो कहते हैं जैसे मानो कोई युवती है, वो आ रही है मेरे पास और उसके बाद मुझे लगता है वो आने वाली है मेरे पास, लेकिन मैंने उसको स्पर्श किए बिना मेरे से पहले ही वो दूर चली गई। तो वो उस सुख को उस युवती की भांति बता रहे हैं। कवि अनुसार सुख रूपी इस बालिका का सपने में ऐसा साक्षात्कार हुआ जैसे उसके लालिमा युक्त गालों में उसके प्रेम छलक रहा हो। और कवि के जीवन में सुख के क्षण तो आए परंतु उनका उपभोग करने से पहले ही वह समाप्त हो गए। जिनके लाल गालों की मदमस्त कर देने वाली सुंदरता की छाया में प्रेम से भरी सुबह उस मधुर माया में अपने सुहाग की लाली लेती थी। मतलब ये उस सुख को उनके सुंदरता के रूप, युवती के रूप के द्वारा वर्णन किया जा रहा है कि जो सुख है वो कितना एकदम, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम लाल, जैसे स्त्री जैसे लालिमा होती है, जैसे चेहरा उनके एकदम लाल होता है, ऐसे सुख को उस युवती की भांति इसमें बताया जा रहा है कि जो सुख था वो बहुत ही अच्छा था लेकिन वो मेरे तक आया ही नहीं। अब हम दूसरे काव्य के बारे में बात करें, चौथे काव्य के बारे में बात करें बेटा। चौथे काव्य में क्या बात करते हैं कि उसकी स्मृति पाथ्य बनी है थके पथिक की पंथा की, जीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ,
क्या यह अच्छी नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? सुनकर क्या तुम्हें भला क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा? अभी समय भी नहीं, थक सोई है मेरी मौन व्यथा। ठीक है, तो अब इस देखो इस काव्यांश में क्या कहना चाहते हैं जयप्रकाश जयशंकर प्रसाद जी। इस काव्यांश में कहते हैं कि जीवन के जो सुखद सपने थे उनकी यादें जीवन के रास्ते रास्ते में थके हारे हुए यात्री के लिए सहारा बन गई है। ये कह रहे हैं कि जो जीवन के जो सुखद सपने थे उनकी यादें जीवन के रास्ते थके यात्री के लिए एक सहारा बन गई। जो जीवन के जो सुखद सपने थे, जो जीवन के जो सुखद पल, उनको एक सपने के तरह बताया गया थी, तो वो एक थके हारे यात्री के लिए एक सहारा बन गई। जैसे उनकी यादें, उन चीज़ को याद करके कि हाँ ऐसा हुआ था, ये सब चीज़ें उनको एक सहारा बन गई जीने के लिए यात्री का। आप मेरी गुदड़ी की सिलाई को उधेड़ कर उसके भीतर क्यों देखोगे? इसमें कवि कह रहे हैं कि और अर्थात आप मेरे अंतर मन में झांकने का कोई कारण तो बताइए। मैं अपने इस छोटे से जीवन में घटित होने वाली बड़ी बड़ी कहानियों का आज किस तरह वर्णन करूं? ये कहते हैं कि मैं अपने जीवन में होने वाली छोटी छोटी कहानियों का, छोटी छोटी घटनाओं का किस प्रकार वर्णन करूं? उन्होंने कहा कि जो सुखद थोड़े बहुत पल थे उसके वजह से जो यात्री है वो किस वजह से थोड़ा सा जो है यात्री के लिए वो एक सहारा बन गई है। लेकिन जब उसके मन को, अंतर मन को झांक कर देखोगे तो उसके अंदर काफ़ी दुख है। लेकिन वो कहते हैं कि मैं उन दुखों का वर्णन किस प्रकार करूं? ठीक है, मेरा जीवन छोटा है परंतु इसमें दुख एवं विडम्बनाएं कहानियां बहुत बड़ी बड़ी हैं। कवि प्रश्न करता हुआ पूछता है कि क्या यह ठीक नहीं होगा कि मैं दूसरों के जीवन की कथाएं सुनता रहूं तथा स्वयं के विषय में चुप रहूं और तुम मेरे जीवन की सरल व सीधी जो सीधी सादी कहानी सुनकर क्या करोगे? ये कहते हैं कि ज़रूरी है क्या कि मैं अपनी आत्मकथा को तुमको बताऊं? वो कभी ना अपनी आत्मकथा को ना नहीं बताने की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो जीवन है मेरा उसमें हम आत्मकथा में सिर्फ थोड़ी ही अपनी लाइफ की बातें कर पाते हैं। हम अपने जीवन के सुख दुख के सारे पल उस आत्मकथा में नहीं बता पाते, जो हमारे जीवन के बहुत अहम पल भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आत्मकथा में कुछ ही चीज़ें बताते हैं और उसमें जो लोग हैं उन कुछ चीज़ों पर हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो कहते हैं कि ज़रूरी है कि मैं अपनी आत्मकथा बताऊं? मैं जरूर ये नहीं कि मैं दूसरों की आत्मकथा पढ़ता रहूं, कि मैं दूसरों की आत्मकथा पढ़ूं चुप रहकर और मेरे जीवन की जो सरल व सीधी सुनकर तुम्हें कोई लाभ नहीं। उन्होंने कहा दूसरे व्यक्तियों से कि मेरे जीवन की जो आत्मकथा तुम सुनोगे तो तुम्हें उससे कोई भी लाभ नहीं होगा। मेरी कहानी एक साधारण आदमी की कहानी की तरह ही है, इसलिए उसे सुनकर तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा अपितु तुम्हारा समय ही बेकार में नष्ट होगा। व्यथा से पूर्ण अपनी कहानी सुनाने का यह उचित समय नहीं है, क्योंकि मेरी पीड़ा जीवन की विषम परिस्थितियों के थपेड़े खाकर थक हार कर शांत भाव से सोई हुई है। इन्होंने अपनी कहानी में यही बताया कि जीवन में काफ़ी ज़्यादा दुख था और इन्होंने ये भी कहा है अपनी कहानी में कि अभी तो तुम्हारा समय जो है वो नष्ट होगा। इन्होंने कहा कि अगर मेरी कहानी कोई पढ़ेगा तो उसका समय क्या होगा, नष्ट होगा। और मेरी पीड़ा जीवन के विषय परिस्थितियों के थपेड़े खाकर, जो उनकी जो जीवन है उसमें काफ़ी ज़्यादा दुख था और उनका जो उन मतलब जो जो उनकी जीवन है उसमें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने काफ़ी चीज़ों का सामना किया है और मैं जीवन के कष्टों पीड़ाओं व कमियों को बहुत सहन करते करते थक चुका हूँ और अपने बारे में अब कुछ भी बता नहीं सकता हूँ। तो ये कह रहे हैं कि मैं जितना मैंने जीवन में लाइफ में स्ट्रगल किया, जो चीज़ें मैंने फेस की, उन सब चीज़ों को सहते सहते देखते देखते क्या हो गया है, मैं थक चुका हूँ और अब मेरे पास वो समय नहीं है, मेरे पास अब वो शक्ति नहीं है कि मैं अपने बारे में कुछ बता सकूँ। तो यही है इस काव्यांश की कहानी। ठीक है बेटा, तो समझ में आ गई होगी। ठीक, तो बस ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसमें इतना ही था।